ओम गणेशाय नमः। आज हम बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, जो कि बैसाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था और बैसाख महीने स्नान दान का बहुत ही महत्व होता है। बैसाख महीना स्नान दान जप तप पूजा इत्यादि के लिए पवित्र माना जाता है, इसीलिए बैसाख महीने की पूर्णमासी बहुत ही खास मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इस साल की बैसाख माह की पूर्णिमा की तिथि भद्रा का साया रहने वाला है, तो आइए जान लेते हैं कि कब हमें बैसाख माह की पूर्णिमा करनी है और कब तक रहेगा भद्रा का प्रभाव। बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 मई को रखा जाएगा इसका व्रत, और इसी दिन स्नान दान किया जाएगा। और इस साल बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि बेहद खास होने वाली है क्योंकि पूर्णमासी के दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग, शिववास का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। इसके साथ ही बैसाख पूर्णिमा का व्रत गुरुवार को रखा जाएगा और गुरुवार का दिन तो स्वयं ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है।